हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी अब जो है नोटिस पे नोटिस जो है दिन प्रतिदिन जारी किए जा रहा है और काफ़ी अच्छी अच्छी जो खबर है वो लगातार दे रहा है। और आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने दो दिन पहले जो अपना एग्ज़ाम का कैलेंडर था वो जारी कर दिया था और जो भी तिथियाँ थी लेखपाल की हो या अन्य पदों की वो उसमें सारी तिथियाँ जो हैं वो घोषित कर दी थी। और इसके साथ ही एक यूडीए और एलडीए की नई वैकेंसी का भी जिक्र हुआ था जो कि 2021 का जो पीटी है उसके अंतर्गत होने वाली है। और हालांकि पहले जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें इस भर्ती का जिक्र नहीं था, ये जो भर्ती है नई जारी की गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें जो सिंपल सा चीज़ है, 21 से 40 की जो एज लिमिट है वो मांगी गई है और सिंपल सा आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतनी सी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। और अगर आपने पीटी का 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो आप इस जो फॉर्म है इसको फिल कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज ऑफिशियल एक नोटिस जारी हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये आज जो ऑफिशियल नोटिस है ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक ये वाला जो पद है इनके लिए जो आवेदन मांगे गए हैं। तो पहले क्या था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि सभी के लिए अलग अलग आवेदन करना है, लेकिन आज जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है इसमें ये जानकारी दी है कि जो यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक ये दिया है 11 और 20 और 45 पदों के लिए जो आवेदन है, कुल 76 पद के लिए जो आवेदन आपको करना है। तो तीनों के लिए या कहें दोनों के लिए, ये 11 और 20 तो एक ही साथ हो जाएंगे, यूडीए और एलडीए, और ये पूर्ति निरीक्षक वाला 45 पद, इन दोनों के लिए कम से कम दो फॉर्म तो आपको अलग से फिल करने ही हैं, साथ में उसके लिए आवेदन जो अलग करना है, साथ ही आपको जो फीस है वो भी अलग अलग देनी होगी। हालांकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं था और उसमें बोला हुआ था कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए वांछित अर्हता धारण करता है तथा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने का इच्छुक है तो उसके द्वारा आवेदन के भाग दो में तदनुसार अपनी वरीयता क्रम को अंकित करते हुए पदों का चयन किया जा सकता है। उसमें केवल पदों के चयन की बात की थी और बोला था कि इस हेतु कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क या फीस नहीं देनी होगी, लेकिन ये शुद्धि पत्र जारी किया है और इसमें बोला है वही चीज़ कि ये जो दिया है तो इसमें 4.1, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए वांछित अर्हता धारण करता है तो एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने हेतु इच्छुक है तो अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता अनुसार विज्ञापित पदों हेतु अलग अलग आवेदन किया जाएगा व तदनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु हार पाए गए अभ्यर्थियों से चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख परीक्षण के समय पदों की वरीयता ली जाएगी। तो कुल मिला के जो शुद्धि पत्र है वो जारी किया गया और उसमें बताया गया कि आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग जो फीस है वो देनी होगी। तो यूपी ट्रिपल एससी इस समय काफ़ी नोटिस पे नोटिस जो है जारी किए जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है विद्यार्थियों के लिए कि चलिए कम से कम यूपी ट्रिपल एससी अब जाग गया है और आप सभी की जो परीक्षा तिथियाँ घोषित हो गई हैं तो आप लोग एकदम परीक्षाओं में की तैयारी में एकदम लग जाइए डट के। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।